हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आप सबका सीएनसी प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में कटर रेडियस कंपनसेशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं वो सीखने वाले। मुझे बहुत कमेंट मिलते हैं कि सर हम G41 G42 कोड में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि G41 और G42 कोड कब यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ मैं यहाँ पर दो केस बताने वाला हूँ, तो आप उस वो केस देख के आपको समझ में आएगा आपको। तो पहला, हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें मशीनिंग क्या करने का है। ये अगर हम प्रोफाइल के अंदर का मटेरियल मशीनिंग करते हैं तो वो कैविटी होता है, यानी कि हमने इस ड्राइंग में इस वर्कपीस में कैविटी में मशीनिंग किया है, और इस वर्कपीस में हमने कोर मशीनिंग किया है, यानी कि इस प्रोफाइल के बाहर का मटेरियल हमने रिमूव किया है, और इस केस में हमने प्रोफाइल के अंदर का मटेरियल मशीनिंग किया है। तो चलिए देखते हैं G41 G42 पर हमें कब यूज़ करना है। अगर हम कोर मशीनिंग करते यानी कि प्रोफाइल के बाहर का मटेरियल अगर हमें मशीनिंग करना है, तो अगर हम ये G41 G42 कोड यूज़ नहीं करते तो हमारा क्या होता है कि उस अगर सपोज हमने ये कोऑर्डिनेट पे हमें वर्क पार्ट 0 से टूल कॉल करना है, अगर हम वो यहाँ पे G41 G42 कोड यूज़ नहीं करते, नॉर्मली प्रोग्राम रन करते, तो हमारा कटर जो है कटर का सेंटर रो कोऑर्डिनेट का सेंटर एक जगह पे आ जाता है, यानी कि हमारा टूल यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, तो हमें हमारा जो प्रोफाइल है वो करेक्ट डायमेंशन में नहीं मशीनिंग होगा, यानी कि हमें एक्सेस वहाँ पर मटेरियल मशीनिंग होगा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हमारे टूल का पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं आप, अगर हमारे टूल का पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमें G41 यानी कि कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट कोड यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, तो हमारा ये बाहर से कटर, इस प्रोफाइल के बाहर से कटर मशीनिंग करते हुए चला आएगा। देन अगर हमें हमारा टूल पाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमें वहाँ पर G42 कोड यूज़ करना है कोर मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये क्या होगा, ये बाहर से ऐसे मशीनिंग करता हुआ चला आएगा और हमें एक कोर में यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक G41, G42, G01, G02 और G03 यानी कि सर्कुलर इंटरपोलेशन कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड केस है कि हम कैविटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैविटी यानी हम अंदर का मटेरियल मशीनिंग कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, अगर हमें हमारा पाथ क्लॉकवाइज है, हमारा पाथ क्लॉकवाइज है, तो हमें G42 कोड यूज़ करना है कैविटी मैन्युफैक्चर में। अगर वही हमारा पाथ एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हमें G41 कोड यूज़ करना है, जबकि हम कोर में G42 कोड एंटी क्लॉकवाइज पाथ के लिए यूज़ करते हैं, वही हम कैविटी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो ये थोड़ा एक रिवर्स है, बस आपको इन दोनों में का डिफरेंस बताना था, इसीलिए ये वीडियो बनाया था। तो आई होप आपको कटर रेडियस कंपनसेशन क्या होता है, G41, G42 कोड क्या होता है ये समझ में आया होगा। ये इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कटर रेडियस कंपनसेशन के बारे में और कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉब्लम कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको सोल्यूशन वहाँ पर दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन आपने अगर अब तक CNC प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे अगली वीडियो के अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, बाय बाय।